आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। आज से दो दिवसीय गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ। कल सुबह 5 बजे गुरु पूर्णिमा पर विशेष होगी पूजा। सुबह 6:30 पर सामूहिक आरती में होंगे शामिल। आज से दो दिवसीय गोरखपुर दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। कल सुबह 5 बजे गुरु पूर्णिमा पर विशेष पूजा में होंगे शामिल। सुबह 6:30 पर सामूहिक आरती में शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। दो दिवसीय गोरखपुर के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी। कल सुबह 5 बजे गुरु पूर्णिमा पर विशेष पूजा होगी। सुबह 6:30 पर सामूहिक आरती में होंगे शामिल। सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर बड़ी खबर, दो दिन के गोरखपुर दौरे पर। आज से दो दिवसीय गोरखपुर दौरे पर रहेंगे सीएम योगी। दुनिया भर में माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर हुआ ठप, बड़ी खबर। सर्वर ठप होने से यूपीआई पेमेंट बैंकिंग में हो गई है बड़ी दिक्कतें। राजधानी में 4200 करोड़ का कारोबार हुआ प्रभावित। 75 करोड़ की चपत रेलवे टिकटों में लगी। 1600 करोड़ रुपए स्टॉक मार्केट में डूबे। दुनिया भर में माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर हुआ ठप होने से यूपीआई पेमेंट बैंकिंग में हो गई है बड़ी दिक्कतें। राजधानी में भी 4200 करोड़ का कारोबार प्रभावित दिखा। 75 करोड़ की चपत रेलवे टिकटों में लगी। 1600 करोड़ रुपए स्टॉक मार्केट में डूबे। जी हां, दुनिया भर में माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर हुआ ठप, भारी नुकसान। सर्वर ठप होने से यूपीआई पेमेंट बैंकिंग में हुई दिक्कत। राजधानी में 4200 करोड़ का कारोबार हुआ प्रभावित। 75 करोड़ की चपत रेलवे टिकटों में लगी। 1600 करोड़ रुपए स्टॉक मार्केट में डूबे। माइक्रोसॉफ्ट की खराबी को लेकर बड़ी खबर सामने आई। दुनिया भर में माइक्रोसॉफ्ट में दिक्कत। सर्वर ठप होने से यूपीआई पेमेंट बैंकिंग में हुई दिक्कतें। राजधानी में 4200 करोड़ का कारोबार प्रभावित। आपको बता दें 1600 करोड़ रुपए स्टॉक मार्केट में भी डूबे हैं। कई हवाई उड़ानें रद्द की गई। दुनिया भर में माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर हुआ ठप। सर्वर ठप होने से यूपीआई पेमेंट बैंकिंग में दिक्कत। राजधानी लखनऊ में भी 4200 करोड़ का कारोबार प्रभावित। 75 करोड़ की चपत रेलवे टिकटों में लगी। 1600 करोड़ रुपए स्टॉक मार्केट में डूबे। बड़ी खबर माइक्रोसॉफ्ट को लेकर, माइक्रोसॉफ्ट की खराबी को लेकर ये सभी दिक्कतों का सामना पूरी दुनिया को आज करना पड़ रहा है। सर्वर ठप होने से यूपीआई पेमेंट बैंकिंग में दिक्कत देखी गई। संवाददाता काजिम अब्बास जुड़ गए हैं इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए। काजिम जी, जिस तरह से माइक्रोसॉफ्ट में ये खराबी आई है और पूरी दुनिया को इस मुसीबत से कहीं ना कहीं प्रभावित होना पड़ रहा है, क्या कहेंगे?
जी कल ही प्राइम टीवी ने इस खबर को विस्तार से पूरे तरीके से बताया था जब ये लाइव आई थी न्यूज की पूरे दुनिया में माइक्रोसॉफ्ट की वजह से पूरे दुनिया में ये इफेक्ट हुआ है और क्या इफेक्ट हुआ है वो सब हम लोग ने बताया था। और कल ही इस पर बात भी हुई थी कि एक 24 घंटे बाद ही पता चलेगा कि आखिर हुआ क्या इससे। और जैसा कि आपने अभी बताया कि हजारों करोड़ का लॉस हुआ है और ये बहुत बड़ी बात है, स्टॉक मार्केट से लेके तमाम ऐसी जगह जहां सुविधाएं होती हैं, जैसा आप बता रहे हैं कि लखनऊ में भी बहुत ज्यादा इफेक्ट देखने को मिला और तमाम ऐसी जगहों पर ट्रेन टिकट में घाटा हो गया, बड़ा घाटा हो गया, हजारों करोड़ का लॉस हो गया। और कल ही खबर ये थी कि 1000 फ्लाइट रद्द की गई थी, तो आप सोच लीजिए कितना लॉस इस पूरे बग ने किया है। आपको बता दें ये जो टेक्निकल इफेक्ट हुआ था वो उसका हम लोग ने पूरा बताया भी था, काउंटर स्ट्राइक उसको कहते हैं, जिसकी वजह से ये इफेक्ट आया था। वो एक तरीके का सोशल, वो एक सिक्योरिटी बग होता है, उसमें कोई दिक्कत आ गई थी और उस दिक्कत के बाद से माइक्रोसॉफ्ट की जो तमाम सुविधाएं हैं जैसे कि अस्पताल हो, चाहे ट्रेन हो, चाहे फ्लाइट हो, चाहे कहीं भी जगह, माइक्रोसॉफ्ट हर जगह होता है। आपको बता दें कि स्काई न्यूज जैसे ब्रॉडकास्ट चैनल भी लाइव ऑफ एयर हो गया था, तो ऐसी कई दिक्कतें हुई थी और पूरे दुनिया में इसका बहुत ज्यादा इफेक्ट देखने को मिला था। जिस तरह से पूरी दुनिया इसके इफेक्ट से को इस टाइम झेल रही है, उसी तरह से जैसे कि कल से ये समस्या आई है और इसका 24 घंटे में इस पर कुछ रिजल्ट आने थे, पता चलना था कि क्या वजह रही इस पर, कहां तक अभी काम हुआ है, कुछ अपडेट आया? जी जैसा कि माइक्रोसॉफ्ट के स्टेटमेंट्स आए थे कि सुविधाएं बहाल हो गई हैं, लेकिन सुविधाएं बहाल तो हो गई लेकिन जो लॉस है अब उसको कैसे संभाला जाए, उसको नहीं संभाला जा सकता, वो लॉस तो हो गया। तो ये वही लॉस है हजारों करोड़ का स्टॉक मार्केट से लेके जहाँ पे ट्रेन टिकट और फ्लाइट टिकट और जितने तमाम ऐसी बड़ी सुविधाएं वहाँ पर लॉस तो कल ही हो गया। अब जो वजह है वो जो कुछ भी हो उससे अब आगे के लिए वो एक लेसन है हम लोगों के लिए, सभी के लिए। और UPI से लेके जितने ट्रांजैक्शन है उसमें भी बहुत लॉस हुआ है। ये तो रिपोर्ट शुरुआती रिपोर्ट है, अभी आज पूरे दिन के बाद मेरे ख्याल से इस पर एक्चुअल रिपोर्ट आएगी कि कितना बड़ा लॉस पूरी दुनिया ने माइक्रोसॉफ्ट की वजह से झेला है। जी धन्यवाद इस खबर पर जुड़ने के लिए, आगे की अपडेट के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। 75 करोड़ की डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक आज उन्नाव का दौरा करेंगे, वृक्षारोपण कार्यक्रम में शामिल होंगे डिप्टी सीएम। वन विभाग द्वारा आयोजित किया गया कार्यक्रम, ट्रांस गंगा सिटी में है वृक्षारोपण कार्यक्रम, एक पेड़ मां के नाम समर्पित है कार्यक्रम। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक आज उन्नाव के दौरे पर, वृक्षारोपण कार्यक्रम में शामिल होंगे डिप्टी सीएम। वन विभाग द्वारा आयोजित किया गया है ये कार्यक्रम, ट्रांस गंगा सिटी में है वृक्षारोपण कार्यक्रम, एक पेड़ मां के नाम समर्पित है ये कार्यक्रम। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का आज उन्नाव दौरा, वृक्षारोपण कार्यक्रम में शामिल होंगे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। अधिक जानकारी के लिए संवाददाता अब्बास जुड़ गए। डिप्टी सीएम का आज उन्नाव दौरा क्या कहेंगे? कि आज जो है डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक उन्नाव दौरे पर रहेंगे, जहां बड़ा वृक्षारोपण का कार्यक्रम रखा गया है। जो यहां की उन्नाव में तारगंगा सिटी है, यहां पर एक बड़ा कार्यक्रम किया जा रहा है जिसमें ब्रजेश पाठक शामिल होने पहुंच रहे हैं। जी इस कार्यक्रम में और क्या कुछ आगे के लिए क्या योजनाएं बनाई जाएंगी, वृक्षारोपण पर क्या रणनीति बनाई जाएगी, उस पर कुछ बताएं। जी देखिए वृक्षारोपण का बड़ा कार्यक्रम है कि जो वायु है, जो प्रदूषण जो बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं जो गर्मी का कारण भी बहुत पेड़ जो कट रहे हैं, हाईवे बनने के कारण पेड़ कट रहे हैं, जिसके चलते जो है प्रदूषण और वायु में कमी
और जो गर्मी जो बढ़ रही है, बारिश ना होना, तो जहाँ ये इसको देखते हुए जो वृक्षारोपण कार्यक्रम जो है बहुत इसको रखा गया है, जिसमें डीएम और एसडीएम तहसीलदार समेत कई अधिकारी बड़े मौजूद रहेंगे, जिसको आज डिप्टी सीएम भी पहुंच रहे हैं और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएंगे। जी कह सकते हैं कि पर्यावरण को लेकर इस तरह के कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं, जहां कल ये खबर आई थी कि सीएम योगी भी वृक्षारोपण को लेकर लखनऊ के अकबर नगर से शुरुआत कर रहे हैं और आज डिप्टी सीएम उसी योजना को आगे बढ़ाते हुए उन्नाव पहुंचे हैं। कुछ कहना चाहेंगे इस पर, कैसी शुरुआत रहेगी? जी बिल्कुल पर्यावरण को देखते हुए ही जो ये कार्यक्रम को रखा गया है, जिसमें जो आज जो इनका रूट है ये सुबह 11 बजे जो है ब्रजेश पाठक वहां पहुंचेंगे और इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। जी धन्यवाद इस खबर पर जुड़ने के लिए। बड़ी खबर लखनऊ से, सीएम योगी आदित्यनाथ का आज कार्यक्रम, पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ जन अभियान की शुरुआत आज से। सीएम योगी मेगा वृक्षारोपण अभियान की करेंगे शुरुआत। जी, सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर बड़ी खबर, 75 जिलों में एक दिन में 36.5 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। सुबह 9:30 पर सौमित्र वन कुकरेल नदी तट जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। दोपहर 1 बजे मुख्यमंत्री योगी पहुंचेंगे प्रयागराज। महाकुंभ की तैयारियों को लेकर अधिकारियों संग करेंगे बैठक। जी, बड़ी खबर लखनऊ से, सीएम योगी आदित्यनाथ का आज कार्यक्रम, पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ जन अभियान की शुरुआत आज से। खबर पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता अभिनव सिंह जुड़ गए हैं। जी, सीएम योगी आज से वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत कर रहे हैं, उसमें शामिल होंगे, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ जो है वो आज पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ जन अभियान की शुरुआत करेंगे। सीएम योगी जो मेगा वृक्षारोपण अभियान है उसकी आज शुरुआत करने जा रहे हैं। 75 जिलों में एक दिन में 36 करोड़ से ज्यादा जो पौधे हैं वो लगाए जाएंगे। आज सुबह करीब 9:30 सौमित्र वन और कुकरेल नदी तट पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जाएंगे और ये जो एक मेगा अभियान है वृक्षारोपण कार्यक्रम का, इसकी आज से जो लखनऊ में शुरुआत है वो देखने को मिलेगी और सीएम योगी खुद इस कार्यक्रम में शामिल होंगे और पूरे 75 जिलों में भी ये कार्यक्रम मनाया जाएगा और प्रदेश में एक बड़े स्तर पे वृक्षारोपण करने की कोशिश में यूपी सरकार है और उसी के तहत देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद भी आज वृक्षारोपण कार्यक्रम में शामिल होते नजर आएंगे। जी जिस तरह से खबरें आ रही है कि दोपहर 1 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ प्रयागराज के दौरे पर रहेंगे, तो प्रयागराज में जिस तरह से कुंभ पर चर्चा होने वाली है उसमें और क्या कुछ बात हो सकती है? बिल्कुल, देखिए दोपहर 1 बजे मुख्यमंत्री आज प्रयागराज दौरे पर रहेंगे, अपने महाकुंभ की तैयारियों को लेकर अधिकारी जो है उनके साथ मुख्यमंत्री आज बैठक कर सकते हैं कि किस प्रकार से चीजें आगे होनी है और चूंकि कोई भी व्यवस्था महाकुंभ में काफी संख्या में जो भीड़ है वो मरती है तो उसके लिए पर्याप्त इंतजाम करने के निर्देश मुख्यमंत्री द्वारा दिए जाएंगे। इसके अलावा सीएम योगी आज गोरखपुर और प्रयागराज के दोनों जिलों के दौरे पे भी रहेंगे, वहीं एक लखनऊ में आज आ रहे थे, बीजेपी की बैठक है उसमें भी सीएम के पहुंचने की अटकलें लगातार जा रही है लेकिन अभी यह तय नहीं हो पाया कि किस वक्त सीएम योगी इस बैठक में आएंगे। बहरहाल प्रयागराज और गोरखपुर का आज मुख्यमंत्री का दौरा है। जी अभिनव सिंह जी, धन्यवाद आपका इस खबर पर जुड़ने के लिए। आम आदमी पार्टी आज करेगी विरोध प्रदर्शन। आम आदमी पार्टी को लेकर बड़ी खबर, दिल्ली में पेड़ों की अवैध कटाई का करेगी विरोध। जी हां, सुबह 11 बजे बीजेपी मुख्यालय के बाहर करेगी प्रदर्शन। आम आदमी पार्टी आज करेगी विरोध प्रदर्शन, दिल्ली से बड़ी खबर, दिल्ली में पेड़ों की अवैध कटाई का करेगी आम आदमी पार्टी विरोध। सुबह 11 बजे बीजेपी मुख्यालय के बाहर करेगी ये प्रदर्शन, बड़ी खबर दिल्ली से, आम आदमी पार्टी आज करेगी विरोध प्रदर्शन, दिल्ली में पेड़ों की अवैध कटाई का करेगी प्रदर्शन। सुबह 11 बजे से बीजेपी मुख्यालय के बाहर होगा ये प्रदर्शन।
जी हां, आम आदमी पार्टी को लेकर आई ये बड़ी खबर। देखना यह होगा कि इस प्रदर्शन में क्या कुछ मांग की जाएगी। अवैध पेड़ों की कटाई पर होगा ये प्रदर्शन। दिल्ली में आज हरियाणा में चुनाव प्रचार करेगी आप पार्टी। सीएम केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल संभालेगी कमान। आज हरियाणा के लिए केजरीवाल की गारंटी जारी करेंगी। पंजाब सीएम भगवंत मान, सांसद संजय सिंह भी मौजूद रहेंगे। जी हां, हरियाणा के पंचकूला में आप पार्टी गारंटी लॉन्च करेंगी आज। आज से हरियाणा में चुनाव प्रचार करने जा रही है आप पार्टी। सीएम केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल संभालेंगी कमान। हरियाणा के लिए केजरीवाल की गारंटी आज से जारी करेंगी। पंजाब सीएम भगवंत मान, सांसद संजय सिंह भी मौजूद रहेंगे। हरियाणा के पंचकूला में आप पार्टी गारंटी लॉन्च करेंगी। जी हां, हरियाणा में चुनाव प्रचार करेंगी आज से आप पार्टी। बड़ी खबर दिल्ली से, एलन मस्क ने एक्स पर किया पोस्ट। पोस्ट कर प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। जी, एलन ने प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। एलन मस्क ने लिखा है, बधाई हो पीएम। विश्व में सर्वाधिक फॉलो किए जाने वाले नेता बने। यूपी विधानसभा का मानसून सत्र 29 जुलाई से शुरू होगा मानसून सत्र। राज्यपाल आनंदीबेन ने दी सत्र की मंजूरी।